हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज है डे 3 इन लखनऊ, और लखनऊ मेरा खुद का घर है। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा तो आपको पता होगा मैं लखनऊ में एक सीरीज़ कर रही हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए लखनऊ आई हूँ। मैंने सोचा है कि मैं पूरे 1 वीक ब्लॉगिंग करूँगी, कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कितना सक्सेस हो पाती हूँ। और लखनऊ में आज जो डे 3 था हमारा, वो बहुत अच्छा निकला। सुबह हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा हुई है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लड़का का जन्म होता है तो उसके बाद उसके 1 साल के अंदर कुल देवी की पूजा होती है। हमारे यहाँ आज कुल देवी की पूजा हुई है। मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमारे जो कुल देवी की पूजा होती है वो थोड़ी पर्सनल होती है, हम उसको किसी और से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज का दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। अभी बज रहे हैं 3:30 और हम लोग जा रहे हैं ट्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे तो बहुत सारे आउटलेट हैं ट्रेंड्स के, बट हमारा मन था कि हम प्लासियो जाएंगे, प्लासियो और ट्रेंड्स में, तो वहाँ चल रहे हैं हम लोग। मम्मी को कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए जा रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं ट्रेंड्स। और यशित भी रेडी है। हाँ यशित, यशित यहाँ आके बहुत घुमक्कड़ हो गया, इसको सिर्फ घूमना है। रूम में जाके ही वो रोने लग रहा है, और अभी कितना शांत है, इसको लग रहा है कि मम्मा कहीं चल रही है, है ना यशित? हम लोग कहाँ चल रहे हैं ट्रेंड्स ना? यशित को लग रहा है कहीं घूमना है, अब चल रहे हैं, चलते हैं ट्रेंड्स और शॉपिंग करते हैं मम्मी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो चलते हैं ट्रेंड्स के, हम लोग प्लासियो चल रहे हैं, पहले चलते हैं प्लासियो, उसके बाद वहीं चलेंगे ट्रेंड्स भी। पहुंच गए हैं प्लासियो, चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। गाइस, हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए कपड़े, मम्मी वो पसंद कर रही है, ट्रायल कर रही है। मैं 2 प्लाजो पसंद आए हैं और 1-2 कुर्ती अच्छी लगी है, बट मम्मी देख रही है कि मम्मी को क्या लेना है, देखते हैं मम्मी क्या फाइनल कर रही है। और जो भी शॉपिंग करूँगी मैं वो आपको घर चल के दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग करी है। और ज़्यादा कुछ तो शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि घर से फ़ोन आया प्रियांशी का कि वो भाभी मैं आ रही हूँ, तो ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट देखते जितना भी कर पाएंगे उतना करते हैं, फिर घर चलते हैं। मम्मी हो गई शॉपिंग आपकी? हाँ हो गई। ओ अभी बाकी है थोड़ी, थोड़ी करी आज, हो गई हो गई। हम लोग थोड़ी शॉपिंग करेंगे क्योंकि यशित बहुत रो रहा है, तब हम घर जा रहे हैं। तो गाइस, हम घर आ चुके हैं और घर आने के बाद ये बच्चा पार्टी आया हुआ है साथ में। बच्चा पार्टी, हाय। और ये सब यशित से मिलने आ रहे हैं, ऐसा मेरे से कोई मिलने नहीं आया। नहीं, आपसे मिलने आए। भाभी देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपको गले लगाया था, दोबारा बेटा मैं भाभी मैंने नहीं लगाया, हां बेटा लगाया, सबसे लेट आई थी, हां तो लगाया तो था। ये देखिए, यशित से पहले हमारी मम्मी से चिपक रही है, ये मेरी है, देखो ये मेरी है। तो ये मेरी नन से ज्यादा मेरी बहन है, ये दोनों तीनों चारों, ये लोग लगते नहीं चौथी तो गई, चौथी घूमने गई, चौथी धोखेबाज है, कितने चली गई है, देख रही है दिखा नहीं दी, खड़ा कैसे दादा के साथ ही है।
तो ये बहुत ही मतलब ऐसा बहुत कम जगह मिलता है कि आप जो नंदे होती हैं आपको बहन की तरह ट्रीट करे। तू तो बदलो के तो नहीं पड़े होने पे? नहीं नहीं अभी तो नहीं, आप पढ़ोने के बाद क्या ही बदलेंगे, उनको हम ठीक कर देंगे। आप है ना, वो भी बड़ा हो जाएगा तब तो। इनके हम बड़ी इकलौती भाभी हैं अभी, इसलिए सारा प्यार हमें मिलता है, सारा बड़ी भाभी मिलेगा ना। ये रिकॉर्ड है, हाँ हाँ पक्का, आप रिकॉर्ड करके कहीं भी रखिए। सबसे बड़ी नंद है मेरी, छोटी वाली प्रियांशी के बाद दिव्यांशी पे घूमने गई है, उसके बाद अन्या है, उसके बाद पलक है मेरी, पलकू हाँ, ये मेरी पलकू है। क्या किया बुआ ने? तो अभी हम लोग कुछ अभी बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करी है मैंने, वो मैं आपको अब बाद में दिखाती हूँ। और अभी इन लोग साथ मस्ती करना है, कुछ खाना पीना है, देखते हैं क्या खाते हैं। मैंने कहा मोमोज बनाते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मोमोज नहीं खाना भाभी, कुछ गोलगप्पे मंगा लेते हैं, देखते हैं क्या मंगाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं सब। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं मम्मी के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। एक ये ब्लैक पैंट लाई मम्मी के लिए मैं, और एक ये गोल्डन में इस पर स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छा लगा, और इसका रेंज बहुत सही है। ट्रेंड्स पे मुझे ये मिला है अराउंड 600 का, और ये मुझे मिला है, ये रंग कृति ब्रांड से है, और ये मुझे मिला है आई गेस 900 का। तो मैंने ये दो चीज़ लिया है, और मैंने तो एक निशुक्लिक टी शर्ट लिया ऐसी, बहुत मुझे प्यारी सी लगी मिकी माउस प्रिंट में, तो मैंने निशुक्लिक टी शर्ट लिया। ये है मुझे मिला 199 रुपीज़ में, तो बस थोड़ी शॉपिंग कर पाए हम लोग, क्योंकि प्रियांशी का फ़ोन आ गया था, वो आ रही है, तो हम लोग फटाफट चले आए, क्योंकि भैया शॉपिंग तो हम कर भी कर सकते हैं, पर जो मस्ती हम लोग घर पर करते हैं ना वो बहुत ज़रूरी, शॉपिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है मस्ती करना घर पर बच्चों के साथ, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है। आप जो ब्लॉग्स देख रहे हो मेरा कंटिन्यू, उसमें आप देखोगे भी आगे कि हम साथ में कितनी मस्ती करते हैं, लगता है वो मेरी नंद है, ऐसा लगता है कि वो मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करती हैं। सो बस अभी हम सब लोग जा चुका है घर, और हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद मैं आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। हाय गाइस, सो मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ सुबह, क्योंकि कल कुछ खास हुआ नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग खाना वाना खा के सो गए फिर डायरेक्टली, और आज day 4 है लखनऊ में। तो आज क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज होने वाला है हम जा रहे हैं यशित के लिए होटल फाइनल करने, पापा ने जो होटल देख के रखा था एक दो जगह वहाँ जा रहे हैं हम बात करने, आज फाइनल कर देंगे हम लोग कि हम लोग यशित का बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट मैं अभी आपको बताऊँगी नहीं कि मैं किस होटल में सेलिब्रेट कर रही हूँ, जब यशित का बर्थडे व्लॉग आएगा ना तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस होटल में सेलिब्रेट कर रही हूँ। अभी बस चल रहे हैं हम लोग होटल फाइनल करने, तो आप भी मेरे साथ चलिए। कल देखते हैं हम लोग आए हैं यशित के बर्थडे के लिए, एक्साइटेड? Yes. कितना? बहुत क्योंकि फाइनल करना है, क्योंकि क्या होता है ना लेट बुकिंग करने पे बहुत दिक्कत हो जाती है, हमने सोचा हम अभी फाइनल कर लेंगे जो भी हम लोग आए हुए हैं। तो ये सही है ना? हाँ ये सही है, ये देखते हैं। अभी शाम हो रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 7, और हमने होटल फाइनल कर लिया, हमें पसंद है, ऑलमोस्ट हम वही बुक करेंगे, 99% चांसेस है। टोकन अमाउंट देना बाकी है, वो पापा दे देंगे बाद में, और हमें डेकोरेटर से भी बात कर ली, उसको भी सब बता दिया कि हमें क्या चीज़ चाहिए कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हो गई, और बस अब बचा है केक, और DJ भी फाइनल है क्योंकि वो होटल के साथ वो फाइनल है, वो करके देंगे, तो बस केक बाकी है, वो हम किसी और दिन फाइनल करेंगे।